हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले टॉपिक की तरफ चलते हैं। स्टैटिक्स का टॉपिक है पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ फोर्सेस। ओके, मैं कहना चाह रहा हूँ कि इफ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू फोर्सेस या टू फोर्स एक्टिंग, पहले लिख दूं बाद में समझा दूंगा, एट ए पॉइंट अगर दो फोर्स जो है किसी एक बिंदु के ऊपर काम कर रहे हैं, बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम मतलब क्या है, पहले यहां तक समझ लो। मैं कह रहा हूं कि टू फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट, बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडसेंट ऑफ एडसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब यह है कि अगर मान लिया जाए हमारे पास कोई समांतर चतुर्भुज है, ओके, समांतर चतुर्भुज की दो साइड्स हैं, उनके ऊपर दो बल काम कर रहे हैं। जैसे सपोज दैट, मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो है ना, ये कोई समांतर चतुर्भुज है, सपोज दैट दिस इज माई पैरेललोग्राम, ऐसे समझो आप। ओके, क्लियर है ना? आप इसको ओ ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हो। सपोज दैट दिस पॉइंट ओ, दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी एंड दिस पॉइंट सी, इसकी दो एडसेंट साइड हैं। एक एडसेंट साइड मैंने ये मान ली, ये वाली है, ओके, और दूसरे वाली जो है वो ये वाली है, एडजेसेंट साइड, यानी जो इसके पास वाली जो है ना दूरी, वो है क्या कहें, भुजाएं हैं, ओके, और इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर दो फोर्स लगे हुए हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर दो फोर्स लगे हैं। मान लिया एक फोर्स पी इस डायरेक्शन में लगा हुआ है और दूसरा फोर्स क्यू जो है सपोज दैट इस डायरेक्शन में लगा हुआ है। समझ में आती है? अभी तक मैंने इतना ही लिखा है। मैं कहना चाह रहा हूँ इफ टू फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट, बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाई टू एडसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, यानी अगर समांतर चतुर्भुज के किसी बिंदु से दो बलों को रिप्रेजेंट किया जाए, ओके, मैं बिंदु ओ से दो बल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पहले वाला बल पी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो दूसरे वाला बल क्यू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, जो दोनों का परिणामी बल होता है, वो यहाँ से पास होता है ऐसे। समझ में आती है मेरी बात? तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा आर, वो इस पैरेललोग्राम के डायगनल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, यही मेरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ द फोर्स है और यही मैं थ्योरी के अंदर लिखूंगा। ओके, यहाँ तक समझ में आती है? आगे लिख रहा हूं, पहले ड्रॉन थ्रू दियर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दियर रिजल्टेंट विल बी रिप्रेजेंटेड देन दियर रिजल्टेंट
विल बी रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बाय द डायगनल ऑफ ऑफ पैरेललोग्राम दैट पॉइंट ओके मतलब क्या है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं शॉर्ट में, जो मेरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ द फोर्स है, अगर मान लिया मेरे पास कोई पैरेललोग्राम है ओके, पैरेललोग्राम की जो एडजेसेंट साइड है यानी कि जो आपस में एक दूसरे के जो पास वाली जो है ना, जिसको बोलते हैं नियरेस्ट भुजा जो एक दूसरे के हैं, मान लिया एक भुजा वो मेरी ओ पी है और दूसरी भुजा मेरी ओ सी है ओके, और ओ पी सॉरी एक भुजा मेरी ओ ए है, दूसरी भुजा मेरी ओ सी है, ओ ए के ऊपर एक बल पी लगा हुआ है, ओ सी के ऊपर एक बल क्यू लगा हुआ है, तो इनका जो परिणामी बल है वो इस पैरेललोग्राम के डायगनल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है ओके, इस डायगनल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा, और डायगनल के थ्रू रिप्रेजेंट करना उसी पर्टिकुलर पॉइंट से, इस पूरे के पूरे नियम को बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ द फोर्स। क्लियर? मैं कहना चाह रहा हूं कि सपोज दैट पी इज एनी फोर्स एंड क्यू इज अदर फोर्स ओके, विच आर एक्टिंग एट ए पॉइंट ओ, क्लियर, देन दियर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई आर ओके ऑफ द पैरेललोग्राम एंड दिस लॉ इज नोन एज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ द फोर्स। आगे की तरफ चलते हैं, मान लिया जाए ये आपका पैरेललोग्राम है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इधर को बनाता हूँ मैं, सपोज दैट ये आपका कोई पैरेललोग्राम है ओके, सपोज दैट दिस द पॉइंट ओ, और इस पॉइंट ओ के ऊपर एक फोर्स पी काम कर रहा है ऐसे ओके, सपोज दैट इसी पॉइंट ओ के ऊपर एक दूसरा फोर्स काम कर रहा है क्यू ओके, सपोज दैट ये वाला पॉइंट यहाँ ए है, ये बी और ये सी है, देन वी नो दैट फ्रॉम द पैरेललो ग्राम लॉ ऑफ द फोर्स द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई द डायगनल ओके, ये मेरा जो है ना जो इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा आर, वो किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा, डायगनल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा ओके। नाउ सपोज दैट, थोड़ा सा आगे देखते हैं इसके इसको, नाउ जो पी वर पी फोर्स है, पी फोर्स वर्क ऑन ओ ए आपके सामने है, क्यू फोर्स वर्क ऑन ओ सी ओके, एंड रिजल्टेंट फोर्स आर वर्क ऑन ओ बी, ये देखो आप, क्लियर, देन इन वेक्टर फॉर्म, इसकी जो वेक्टर फॉर्म होगी बेटा, देन इन वेक्टर फॉर्म ऑफ दीज फोर्सेस इज वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ सी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी ओके, वेक्टर फॉर्म तो होगी ये, समझ आती है मेरी बात, आगे की तरफ चलते हैं, जाए ये आपका वो पैरेललोग्राम है, सपोज दैट दिस इज माय पैरेललोग्राम ओके, इस पॉइंट को मैंने ओ बना हुआ है, ये पॉइंट मेरा ए है, ये वाला पॉइंट बी है, और ये वाला पॉइंट मेरा कितना है सी है, कैसे भी ले सकते हो, डजंट मैटर, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस पॉइंट के ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है क्या पी, इस पॉइंट के ऊपर दूसरा फोर्स काम कर रहा है क्या क्यू,
रिजल्टेंट फोर्स जो काम कर रहा है वो कहाँ काम कर रहा है, डायगनली, ये आपका रिजल्टेंट फोर्स आर है। मान लिया मैंने इस डायगनल को मिलाया ऐसे, सपोज दैट दिस इज माई सेकेंड डायगनल, एक डायगनल तो ये हुआ, मैंने दूसरे डायगनल को मिला लिया एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज डी, सपोज दैट आई एम रिपीटिंग, ओके, मैंने इस डायगनल को पैरेललोग्राम के दूसरे डायगनल को मिलाया, मिलाने के बाद दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड नाउ सपोज दैट डी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देन उस पोजीशन में मेरे पास क्या होगा, इन पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम के अंदर मेरे पास होगा ओ ए प्लस OA प्लस OC इज इक्वल टू होगा OB के, OA प्लस OC इज इक्वल टू होगा किसके, OB के, एंड ये बराबर होगा 2 इंटू OD, दो गुना किसका होगा भाई, O इंटू D का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड नोट, क्लियर। इस लेक्चर के अंदर इतना ही मैंने आपको लॉ बता दिया है, आगे जो है ना इसके ऊपर जो है क्या क्या हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक एक क्वेश्चन जैसे मैंने स्टैटिक्स और डायनामिक्स के अंदर और कॉम्प्लेक्स और न्यूमेरिकल के अंदर करा रखे हैं, जब तक एक एक क्वेश्चन कवर नहीं होगा मैं इस प्ले लिस्ट को बंद नहीं करूँगा, ओके, परमानेंट जो है कंटिन्यूसली तीन टॉपिक मैंने स्टार्ट पैरेलल किए हुए हैं, इंप्रॉपर इंटीग्रेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन और स्टैटिक्स के अंदर मैंने आज स्टार्ट कर दिया है फोर्स, ओके, एक्टिंग ऑन ए सिंगल पॉइंट, ये तीनों ग्रेजुएशन के टॉपिक हैं, जब तक ये तीनों के तीनों कवर नहीं होंगे मैं इसको क्या कहें मैं किसी भी अगले टॉपिक की तरफ नहीं जाऊंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और लास्ट में एक रिक्वेस्ट और भी है, देखो भाई मैं मेहनत करता हूँ, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, ओके, तो कुछ ना कुछ तो पेमेंट जो है ना आपकी तरफ से बनता ही है, जब मान लिया मैं आपके लिए काम करता हूँ और क्या कहें हैं मैं चाहता हूँ कि यार बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, तो भाई तुम्हें भी जो है मेरा थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, और देखो भाई एक मिनिमम अमाउंट तो आपको पे करना ही होगा, अदरवाइज़ फिर मैं लास्ट में यही कहता हूँ, कुछ बच्चे इस चीज़ का विरोध भी करते हैं कि सर आप सीधा सीधा बोल दो कि भाई मेरे चैनल के ऊपर मत आना, जबकि आप स्टडी तो बहुत अच्छे से कराते हो। भाई देखो सीधी सी बात है, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा ना तो फिर क्या खाएगा वो, ये तो भाई मेरा वो जो है क्या कहें ये तो मेरा कर्म है, या फिर वो मान लो आप यही मेरी जॉब है, यही मेरी रोज़गार का साधन है, तो इसके अंदर जो है ना आप भी अपनी तरफ से कंजूसाई मत करना, जो भी पॉसिबल अमाउंट हो आप उसको जो है ना क्या कहें लेक्चर सीरीज़ देखने से पहले मेरे कॉन्टेक्ट में आओ और भाई मेरे को पे करो, कम से कम इतना तो निकलना ही चाहिए ताकि मेरी कॉपी पेन और डेटा का खर्चा निकलता रहे, ओके। और फिर भी अगर तुम्हें मेरी कोई बात ये जो है क्या कहें गलत लगती है तो भाई उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन भाई फिर कहूँगा कि प्लीज़ यार एक आदमी जब तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है तो कम से कम एक मिनिमम अमाउंट तो उस तक पहुँचना ही चाहिए, ताकि उसकी लगन भी बनी रहे, उसके काम करने का जो है ना जो है जो जो उसके काम करने का इच्छा है या जज्बा है वो कम से कम एक्टिवेट फॉर्म में तो रहे, ओके बाय।